गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा दूसरा दिन शॉपिंग का, फर्नीचर शॉपिंग का। और आज हम आ गए हैं सबके फेवरेट, हमारे फेवरेट आइकिया स्टोर में। आपको मैं आइकिया के सोफे दिखा देती हूँ, और हर तरह की रेंज मिलती है। सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर। लुक एट दिस ब्यूटीफुल येलो सोफ़ा, काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसेस है तो डालने के लिए बहुत अच्छा है। ये है 230 यूरोस का, और ये वाला है 214 यूरोस का पिंक सोफ़ा। गुड थिंग अबाउट आइकिया इज़ कि यहाँ पर आपको ना सोफ़ा और पूरा रूम्स का सेटअप, हर चीज़ का बहुत अच्छे से सेटअप मिल जाता है, जिससे कि आपको रेफरेंस करने के लिए बहुत इजी हो जाता है कि अगर मैं अपने रूम में इस तरह से कुछ लगाना चाहती हूँ या इस तरह से कुछ लगा सकती हूँ। मतलब आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं ऐसे। तो अगर आप पूरा स्क्रैच से घर सेटअप कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आइकिया ज़रूर आए पहले। इससे आपको बहुत सारे रेफरेंसेज आइडियाज़ मिलेंगे अपने घर को सेटअप करने के लिए। ये है डाइनिंग टेबल्स का एरिया, और उन्होंने हर डाइनिंग टेबल को इतने अच्छे से सजाया है कि आपको हर डाइनिंग टेबल अच्छी लग जाएगी। जो ये भी अच्छी लग रही है, इसका मुझे शेप अच्छा लग रहा है, बट अगेन ये चार पैर वाली है जो हमारे लिए बिग नो है। कुछ लकड़ी फिनिश में है, वुड फिनिश में है। ओके, हमें लगता है कल वाली ज़्यादा बेटर थी। लेट्स सी, ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी है। ये वाली देखो, ये वाली ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड है। चलो आगे चलते हैं। आप आइकिया आओ और आपका दिमाग सिर्फ इतने ही लिमिट में रहे जो आपको खरीदना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह से मैं इसी प्लांट वाले सेक्शन में अटक के रह गई। और ये है पूरा अलमारियों का सेक्शन, काफ़ी सारी वैरायटी। अगेन क्वालिटी तो यूनिक सी है, ये ब्लू और अच्छे लग रही है, मतलब क्वाइट डिफरेंट, 10 साल की गारंटी के साथ। यहाँ पर इस तरह के ओपन अलमराज का भी काफ़ी फैशन है। देखो सब कुछ ओपन है, कई सारे लोग लगाते हैं इस तरह का। मैंने अपने फ्रेंड्स के हाउसेज में भी देखा, लेकिन मुझे संभव पता नहीं, क्योंकि जिस तरह से जमा है रियलिटी इससे काफ़ी डिफरेंट होती है। दैट्स व्हाई आई नेवर लाइक दिस काइंड ऑफ अलमराज। हमें यहाँ फर्नीचर तो ज़रूर कोई समझ नहीं आया, लेकिन उसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें बाकी घर रिलेटेड ले रहे हैं। लाइक हमने को कुछ प्लेट्स चाहिए, कप्स चाहिए, कुछ के लिए ग्लासेस लिए, जिप लॉक्स लिए, और बेसिक ग्लासेस ले रहे हैं। अभी शॉपिंग हमारी जारी है। तो ये कटलरी, जैसे ये एक प्लेट है, ये बोन चाइना में ही है, और ये है एक 1.99 यूरोस की, जो कि गुड डील है। नहीं तो ये वाला अच्छा था, ये चॉपिंग बोर्ड ये सही है मेरे लिए। यार इट्स टू बिग, इसे ले रहो। कितने का है ये? 9 यूरो, मतलब लगभग 750 रुपये। दिस इज वेरी चीप फॉर चॉपिंग बोर्ड। हाँ काफ़ी हैवी है, वुड काफ़ी अच्छा है इसका। ये बहुत ही काम की चीज़ हमें फाइनली मिल गई है। ये ड्रॉर्स के अंदर बेसिकली बिछाने के लिए है, जैसे उन्होंने बताया कि आप किसी स्पून्स रखने के लिए या कोई भी बर्तन, या जब भी जहाँ भी हमें बर्तन रखना है उसके नीचे हमें बिछा सकते हैं, तो आपके फर्नीचर का थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहता है। तो ये हमको ज़रूर चाहिए, तो ये मैं एक उठाने वाली हूँ। ये वाला काफी मेरे को चाहिए, देखो कहाँ है। क्या खास है इसमें? इससे ना हर काम बहुत आसान हो जाता है। इसमें इतना ज्यादा वजन है कि जब तुम काटते हो ना तो कट से काम होता है, और आपके आंखों में आंसू आंसू कम आएंगे इससे, क्योंकि काम फटाफट होगा। तो ये कौन सा नंबर है? 14 सेंटीमीटर है, 10 यूरो का है, मींस 800 850 का एक चाकू। बट ये काफ़ी वाकई काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये देखो हमें जो चाहिए वही रो सबसे ज़्यादा खाली है, जो 14 सेंटीमीटर वाला है। बाकी सारे आपको शुरू में मिल जाएंगे यहाँ से, यहाँ से। और ये देखिए वो अंदर जाके, मतलब हमारा गैस एकदम सही था इस चीज़ को। एग्जैक्टली, ये बेस्ट है, ये तो यार बेस्ट। यहाँ पर सारी ट्रेज मिल रही है, और फनी चीज़ है कि जो हमारे यहाँ जिसको थाली बोलते हैं, वहाँ इसको एज अ ट्रे मिल रही है, सिल्वर में और गोल्डन कलर में, 10 यूरो की एक। बस हमने अपने लिए ये वाली ली, स्मॉल एंड ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, आई लव दीज जार्स। कितना सुंदर तरीके से उन्होंने दिखाया हुआ है, मुझे भी पक्के से ये लेना है जो यहीं रखा हुआ है।
काफ़ी हैवी है ये ऑलरेडी, क्योंकि ये पूरा कांच का है और फिर उसके बाद इस तरह का लॉकिंग सिस्टम भी है इसमें। बट कभी कभार जो चीज़ें यूज़ में आती है आई थिंक उसके लिए तो काफ़ी सुंदर लगने वाला है। चलो लेट्स ट्राई कर यहाँ पे और क्या कौन कौन से साइजेस हैं। लेट मी पिक नाउ। अगर आप IKEA में आते हो तो आपको घंटों निकल जाते हैं, तो ऑफकोर्स अब लंच टाइम हो चुका है, तो यहीं के रेस्टोरेंट में IKEA के रेस्टोरेंट में हमने अपना मील ऑर्डर किया। फेमस जर्मन डिश है जो आलू से बनाते हैं। हाँ, ये कुछ पोटैटो का ही कुछ है और ये उसके साथ नमकीन आलू का हलवा बोल सकते हैं। हाँ राइट, तो बस यही हमारा खाना है, इसके बाद हम अपना हंट चालू रखेंगे। कुल मिला के हमको आइडिया लग गया है कि अब हम कहाँ से फर्नीचर लेने वाले, मोर ऑर लेस आई थिंक हम कल वाला सोफ़ा लेने वाले हैं, कल वाली वार्डरोब लेने वाले हैं और डाइनिंग टेबल भी मोस्टली हम कल वाली लेंगे। हाँ, ये है हमारी शॉपिंग जो बढ़ती ही जा रही है, आप देख सकते हो पता नहीं क्या क्या घर का हमने बहुत सारे शॉपिंग कर चुके हैं नीचे तक। और हमारी शॉपिंग हो चुकी है 315 यूरो में। हाँ, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 400 की शॉपिंग कर ली हमने, जिसमें हमारा 60% काम हो चुका है। ऑफकोर्स फर्नीचर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हमारे घर का जो बेसिक हमारी नीड्स है किचन रिलेटेड या लाइट्स जो हमको चाहिए थी वो सब कुछ हमारा 400 यूरो में हो चुका है। किसी के बारे में कुछ कमेंट करना है प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। तब तक के लिए बाय। ये है फाइनली हमारा सोफ़ा और हमारी किस्मत देखिए, हम कल इसको देखने आए थे जब इसका प्राइस था 849 यूरोस और आज हमने सोचा IKEA के बाद कि चलो हम वापस से वही सोफ़ा लेके बुक करके आते हैं, तो ये हमको आज 200 यूरोस लेस में ऑफ़र में अवेलेबल है, तो हमने इसको फटाफट फाइनल कर दिया, वाई नॉट। है हमारी फाइनली डाइनिंग टेबल, ये है टेबल जो कि है 200 यूरोस की, और चेयर हमने इसके साथ पसंद करी है ये वाली ऐसी जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है और इसके अंदर ऐसी दो लेयर्स है, और ये हमको पड़ी है एक 60 यूरो की, ऐसी हमने चार इसके साथ लिए, तो ये टेबल फाइनल हमारा हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यू नो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।